प्यारे दिल, यहाँ जिंदगी मुश्किल है। अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम। नमस्कार, ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। ऑडियो बुक का यह वीडियो क्लास 11th की NCERT जो भारतीय समाज से संबंधित है, यह उसका पहला अध्याय है जिसका टाइटल है समाज शास्त्र एवं समाज। तो चलिए शुरू करते हैं परिचय। हम शुरुआत करते हैं कुछ सुझावों से जो प्रायः आप जैसे युवा विद्यार्थियों के सम्मुख रखे जाते हैं। एक सुझाव प्रायः दिया जाता है कि मेहनत से पढ़ाई करोगे तो जीवन में सफलता पाओगे, और दूसरा सुझाव यह दिया जाता है कि यदि आप इस विषय अथवा विषयों के समूह की पढ़ाई करेंगे तो भविष्य में अच्छी नौकरी मिलने की ज्यादा संभावना है। तीसरा सुझाव इस प्रकार हो सकता है कि एक लड़की के तौर पर क्या आपके विषयों का चुनाव व्यवहारिक है। चौथा सुझाव, आपके परिवार को आपकी नौकरी की शीघ्र आवश्यकता है तो ऐसा व्यवसाय ना चुने जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता हो, अथवा आपको अपने पारिवारिक व्यवसाय में कार्य करना है तो आप इस विषय को पढ़ने की इच्छा क्यों रखते हैं। आइए इन सुझावों पर गौर करें। क्या आप सोचते हैं कि पहला सुझाव बाकी तीन सुझावों का खंडन करता है? क्योंकि पहला सुझाव दर्शाता है कि यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप अच्छा कार्य करेंगे और अच्छी नौकरी पाएंगे, इसका दारोमदार स्वयं पर है। दूसरा सुझाव यह दर्शाता है कि आपके व्यक्तिगत प्रयास के अलावा नौकरी का एक बाजार है, और वह बाजार यह निश्चित करता है कि किस विषय की पढ़ाई करने से नौकरी के अवसर ज्यादा है या कम। तीसरा और चौथा सुझाव इस विषय को और भी जटिल बना देता है। यहाँ केवल हमारे व्यक्तिगत प्रयास और नौकरी का बाजार नहीं, बल्कि लिंग, परिवार और सामाजिक परिवेश भी मायने रखते हैं। यद्यपि व्यक्तिगत प्रयासों का बहुत अधिक महत्व है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वे परिणाम को निश्चित करें, जैसा कि हम देखते हैं। कुछ अन्य सामाजिक कारक भी हैं जो परिणाम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने केवल नौकरी का बाजार, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि एवं लिंग का जिक्र किया है। क्या आप अन्य कारक के बारे में सोच सकते हैं? हम पूछ सकते हैं, यह कौन निश्चय करता है कि एक अच्छी नौकरी क्या है? क्या एक अच्छी नौकरी के बारे में सभी समाजों की सोच एक जैसी है? क्या इसका पैमाना पैसा है अथवा सम्मान या सामाजिक मान्यता या व्यक्तिगत संतुष्टि जो एक नौकरी की हैसियत का निर्धारण करते हैं? क्या आप सांस्कृति एवं सामाजिक मानक की भी इसमें कोई भूमिका होती है? प्रत्येक विद्यार्थी को तरक्की हेतु मेहनत से अध्ययन अवश्य करना चाहिए, लेकिन वह कितना अच्छा कर पाता है यह सामाजिक कारकों के एक पूरे समुच्चय द्वारा निर्धारित किया जाता है। नौकरी का बाजार अर्थव्यवस्था की जरूरतों से परिभाषित होता है, अर्थात अर्थव्यवस्था की जरूरतें भी पुनः सरकार की आर्थिक एवं राजनीतिक नीतियों पर निर्भर होती है। किसी विद्यार्थी की नौकरी के अलावा इन विशिष्ट राजनीतिक आर्थिक आंकड़ों के साथ साथ उसके परिवार की सामाजिक पृष्ठभूमि से भी प्रभावित होते हैं। यहाँ से हमें इस प्रकार का प्रारंभिक ज्ञान मिलता है कि किस प्रकार समाजशास्त्र मानव समाज का एक अत्यंत संबंधित समग्र के रूप में अध्ययन करता है, और किस तरह समाज और व्यक्ति एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विषयों के चुनाव की समस्या विद्यार्थी का व्यक्तिगत मामला है। इसके बावजूद अधिकांश विद्यार्थी इस समस्या से प्रभावित रहते हैं। अतः प्रत्यक्ष है कि यह एक व्यापक जनहित का मुद्दा है। समाजशास्त्र का एक कार्य व्यक्तिगत समस्या और जनहित मुद्दे के बीच संबंध को स्पष्ट करना है। यह इस अध्याय की पहली विषय वस्तु है। हम यह पहले ही देख चुके हैं कि एक अच्छी नौकरी का अर्थ भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न है। किसी व्यक्ति के लिए किसी नौकरी की सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी है अथवा नहीं, यह उस व्यक्ति के प्रासंगिक समाज की संस्कृति पर निर्भर करता है। प्रासंगिक समाज का अर्थ है क्या इसका अर्थ वह समाज जिसमें वह संबंधित है। व्यक्ति किस समाज से संबंध रखता है? क्या यह पास पड़ोस है? क्या यह समुदाय है?
क्या यह जाति या जनजाति है? क्या यह उसके माता पिता का व्यवहारिक दायरा है? क्या यह राष्ट्र है? इस प्रकार इस अध्याय का दूसरा बिंदु यह है कि वर्तमान समय में व्यक्ति कैसे एक से अधिक समाजों से जुड़ा हुआ है और समाज कैसे आसान होते हैं। तीसरा, यह अध्याय इसका परिचय देता है कि समाज शास्त्र में समाज का विधिवत अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन दार्शनिक और धार्मिक अनुचिंतन एवं साथ ही समाज के रोजमर्रा के सामान्य प्रेक्षण से एकदम अलग है। चौथी बात, समाज के अध्ययन का यह तरीका ज्यादा अच्छी तरह से समझा जा सकता है यदि हम पीछे मुड़कर बौद्धिक विचारों एवं भौतिक स्थितियों पर ऐतिहासिक दृष्टि डालें, जिसमें समाज शास्त्र का जन्म एवं विकास हुआ है। यह विचार एवं भौतिक विकास मुख्यतः पाश्चात्य थे, परंतु उनके परिणाम विश्वव्यापी थे। पांचवी, हम इस विश्वव्यापी पक्ष एवं तरीकों को देखते हैं जिसमें भारत में समाज शास्त्र का आगमन हुआ। यहाँ याद रखना महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार हम में से प्रत्येक की अपनी अलग एक जीवनी है, उसी तरह एक विषय भी जीवनी होती है। विषय के इतिहास को समझाने से विषय को समझने में सहायता मिलती है। अतः अंत में समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र एवं अन्य विषयों से इसके संबंधों की चर्चा की गई है। समाज शास्त्री कल्पनाएं, व्यक्तिगत समस्याएं एवं जनहित मुद्दे। हमने अपनी शुरुआती कुछ सुझावों से एक समुच्चय के साथ की थी, जिससे हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि व्यक्ति और समाज। एक समाज शास्त्री कल्पना हमें इतिहास और जीवन कथा को समझाने एवं समाज में इन दोनों के संबंध को समझने में सहायता करती है। यही इसका मुख्य कार्य है और इसका वायदा भी। शायद सबसे अधिक परिणामदायक विभेद जिसके द्वारा समाज शास्त्री कल्पना कार्य करती है, वह व्यक्तिगत समस्याओं और सामाजिक संरचना के जनहित के मुद्दे के बीच है। जब किसी को व्यक्तिगत या अपने आसपास के लोगों के साथ संबंधों में कठिनाइयां हो जाती हैं, तब वह उसे स्वयं प्रत्यक्ष व निजी रूप से ज्ञात सीमित सामाजिक दायरे में सुलझाता है। इन मुद्दों का संबंध व्यक्ति के निजी जीवन एवं स्थानीय वातावरण से परे होता है। समकालीन इतिहास के तत्व पुरुषों और स्त्रियों की सफलता और असफलता के तत्व भी हैं। जब एक समाज का औद्योगीकरण होता है, एक किसान श्रमिक बन जाता है, एक सामान समाप्त हो जाता है या व्यवसायी बन जाता है, जब कोई वर्ग उठता है या गिरता है, एक व्यक्ति रोजगार युक्त अथवा बेरोजगार हो जाता है, जब विनियोग के दर ऊपर नीचे होती है, आदमी का मन उछलता है या टूट जाता है, जब युद्ध होता है, एक बीमा एजेंट रॉकेट लॉन्चर बन जाता है, एक स्टोर का क्लर्क रडार मैन बन जाता है, एक पत्नी अकेली रह जाती है, एक बालक पिता के बगैर बड़ा होता है, एक व्यक्ति की जिंदगी हो या एक समाज का इतिहास, दोनों को जाने बिना समझा नहीं जा सकता। ये शब्द लिखे गए थे मिल्स द्वारा 1959 में। अब आप इस महिला का चित्र देखिए, यह एक गृहविहीन दंपत्ति है। वर्ष 1999 से 2000 के बीच आरंभ हुए इंदिरा आवास योजना सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी MORD तथा भवन एवं शहरी विकास निगम हुंडको द्वारा संचालित एक विशाल योजना है, जो गरीब और गृहविहीन लोगों के लिए मुफ्त आवास मुहैया कराएगी। क्या आप ऐसे अन्य मुद्दे बता सकते हैं जो व्यक्तिगत समस्याओं और जनहित के मुद्दों में संबंध दर्शाते हो? इससे पहले हम यह पहले क्रियाकलाप पढ़ते हैं जो इन्हीं दो से संबंधित है। क्रियाकलाप फर्स्ट, मिल्स के उदाहरण को ध्यान पूर्वक पढ़ें, तब अगले प्रश्न पर दिए गए दृश्य को रिपोर्ट की जांच करें। क्या आपने ध्यान दिया कि एक गरीब और गृहविहीन दंपत्ति का दृश्य कैसा है? समाज शास्त्री कल्पना गृहविहीनता को समझने और इसकी एक जनहित मुद्दे की तरह व्याख्या करने में सहायता करती है। क्या आप गृहविहीनता के कारणों की पहचान कर सकते हैं?
आपकी कक्षा के विभिन्न समूह इसके संभावित कारणों पर सूचना एकत्र कर सकते हैं। उदाहरण के लिए रोजगार संभावनाएं, गांवों से शहरों में प्रवास आदि, इन पर चर्चा कीजिए। क्या आपको ध्यान दिया है कि किस प्रकार एक व्यक्ति की जिंदगी हो या एक समाज का इतिहास, दोनों को जाने बिना समझा नहीं जा सकता। दूसरे से परस्पर किस प्रकार संबंधित है, यह एक ऐसा बिंदु है जिस पर समाजशास्त्री पीढ़ियों से विचार विमर्श करते आ रहे हैं। सी राइट मिल समाजशास्त्री कल्पना पर अपनी दृष्टि मुख्यतः इस बात को सुलझाने पर टिकाते हैं कि किस तरह व्यक्तिगत और जनहित परस्पर संबंधित है। समाजों में बहुलताएं एवं असमानताएं। समकालीन विश्व में एक प्रकार से देखा जाए तो हम एक से ज्यादा समाजों से जुड़े हुए हैं। जब हम विदेशियों के बीच हमारे समाज की बात करते हैं तो हमारा मतलब भारतीय समाज से हो सकता है, लेकिन भारतीयों के बीच हमारे समाज को भाषा, समुदाय, धर्म या जाति अथवा जनजाति के संदर्भ में भी लिया जा सकता है। यह विविधता इस बात का निर्णय करने में कठिनाई पैदा करती है कि हम किस समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद लगता है कि समाजों का खाका खींचने की समस्या अकेले समाजशास्त्रियों की ही नहीं है, जैसा कि नीचे दी गई टिप्पणी से प्रकट होता है। अपनी फिल्म में क्या दिखाया जाए, इस पर चर्चा करते हुए मशहूर भारतीय फिल्मकार सत्यजीत राय हैरानी से कहते हैं, आप अपनी फिल्म में क्या रखेंगे, आप क्या छोड़ सकते हैं? क्या आप शहर को पीछे छोड़कर गांव में जाएंगे, जहां विशाल चारागाहों में गायें चरती हैं और चरवाहे बांसुरी बजाते हैं? आप यहां एक साफ सुथरी तथा ताजा तरीन फिल्म बना सकते हैं जिसमें एक नाविक के गीतों की सी मोहक लय हो, अथवा आप इतिहास में पीछे महाकाव्यों में जाएंगे जहां दैत्यों और देवताओं ने महान संग्राम में हिस्सा लिया था, जिसने भाइयों ने भाइयों का संहार किया था, अथवा आप वहीं ठहरे रहेंगे जहां आप हैं वर्तमान में, यही इसी विकट भीड़भाड़ चकाचौंध भरे शहर के बीचों बीच और इसके कोलाहल और दृश्यों और परिवेश के विरोधाभासों के स्वर मिलाने का प्रयास करेंगे। यह समाजशास्त्र के सम्मुख मुख्य प्रश्न है कि समाज में किस चीज पर ध्यान केंद्रित किया जाए। हम सत्यजीत राय की टिप्पणी पर पुनः जाते हैं तो स्तब्ध होते हैं कि क्या उनके द्वारा किया गया गांव का चित्रण रोमांटिक है। एक समाजशास्त्री के नजरिए से गांव के एक दलित के नीचे दिए गए चित्रण की इससे तुलना करना उल्लेखनीय होगा। जब मैंने उसे पहली बार देखा, वह गांव की छप्पर की छत वाली चाय की दुकान के सामने धूल भरी सड़क पर बैठा था, जानबूझकर अपना गिलास और प्लेट अपने बगल में रखे हुए जो दुकानदार के लिए मूक संकेत था कि अछूत को चाय खरीदनी है। मुली एक 40 वर्षीय पान से मैले हुए दांतों वाला मरियल सा व्यक्ति था, जिसके लंबे वाल पीछे की तरफ लटके हुए थे। अमर्त सेन का उदाहरण शायद इसका अच्छी तरह वर्णन करेगा, किस प्रकार असमानता समाजों के बीच केंद्रीय बिंदु है। कुछ भारतीय अमीर हैं, अधिकांश नहीं, कुछ बहुत अच्छी तरह शिक्षित हैं, अन्य निरक्षित हैं, कुछ विलासिता की जिंदगी बसर करते हैं जबकि दूसरे थोड़े से परिश्रमिक की बदले कठोर परिश्रम करते हैं, कुछ राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होते हैं लेकिन दूसरे किसी भी चीज को प्रभावित नहीं कर सकते, कुछ के पास जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अनेक अवसर हैं जबकि अन्य के पास अवसरों का नितांत अभाव है, कुछ के प्रति पुलिस का व्यवहार सम्मानजनक रहता है जबकि अन्य कुछ के लिए अत्यंत असम्मानजनक। ये असमानता के कुछ विभिन्न प्रकार हैं और इसमें से प्रत्येक के लिए गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। समाज शास्त्र का परिचय। समाज का एक अंतर संबंधी समग्र के रूप में अध्ययन करने के समाजशास्त्र के मुख्य सरोकार एवं समाजशास्त्रीय कल्पनाओं के बारे में आपको पहले ही परिचय दिया जा चुका है। व्यक्तिगत पसंद और नौकरी के बाजार पर हमारी परिचर्चा से पता चलता है कि किस प्रकार आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक
एवं शैक्षणिक संस्थाएं अंतः संबंधित हैं और किस प्रकार एक व्यक्ति इससे बंधा हुआ भी है, तथापि कुछ सीमा तक इसको बदल भी सकता है। अगले कुछ अध्याय विभिन्न संस्थाओं और साथ ही साथ संस्कृति पर आधारित होंगे। ये समाजशास्त्र की कुछ प्रमुख शब्दावली एवं कल्पनाओं पर भी केंद्रित होंगे, जिससे समाज को समझने में आपको मदद मिलेगी, क्योंकि समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन, समूहों और समाजों का अध्ययन है। एक सामाजिक प्रणाली की तरह स्वयं हमारा व्यवहार इसकी विषय वस्तु है। समाजशास्त्र ऐसा कार्य करने वाला पहला विषय नहीं है। लोगों ने हमेशा से उस समाज और समूह को देखा और समझा है जिसमें वे रहते हैं। यह सभी सभ्यताओं और युगों के दार्शनिकों, धार्मिक गुरुओं, विधिवेत्ताओं की पुस्तकों से स्पष्ट होता है। अपने जीवन और अपने समाज के बारे में सोचने वाला मानव स्वभाव केवल दार्शनिकों एवं सामाजिक विचारकों तक सीमित नहीं है। हम सभी के अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में और दूसरों की जिंदगी के बारे में भी अपने अपने विचार रखते हैं, और इसी तरह अपने समाज और दूसरे समाजों के बारे में भी। ये रोजाना की हमारी धारणाएं और हमारी सामान्य बौद्धिक समझ ही है जिसके अनुसार हम अपना जीवन जीते हैं। तो भी एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का एक समाज के बारे में प्रेक्षण एवं विचार दार्शनिकों, अनुचिंतनों एवं सामान्य बौद्धिक समझ से हटकर है। मानव व्यवहार में क्या नैतिक है और क्या अनैतिक, रहन सहन के वंचित तरीकों एवं एक अच्छे समाज के बारे में दार्शनिक तथा धार्मिक विचार अक्सर निरीक्षण करते हैं। समाजशास्त्र का सरोकार भी मानकों एवं बोलियों के प्रति है, लेकिन इसकी मुख्य दृष्टि इन मानकों एवं बोलियों से परे उन उद्देश्यों पर है जिनका लोगों को अनुसरण करना चाहिए। इसका सरोकार उस तरीके से है जिसके तहत वे वास्तविक समाजों में कार्य करते हैं। समाजों का अनुभविक अध्ययन समाजशास्त्रियों के कार्य का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इस बात का यह अर्थ कदापि नहीं है कि समाजशास्त्र का मूल्यों के प्रति कोई सरोकार नहीं है। इसका तात्पर्य केवल यह है कि जब एक समाजशास्त्री एक समाज का अध्ययन करता है, तब वह जानकारियां इकट्ठा करने और प्रेक्षण करने को उत्सुक होता है, चाहे वह उसकी निजी पसंद के प्रतिकूल हो। इसको स्पष्ट करने के लिए पीटर वर्जर एक असामान्य लेकिन प्रभावकारी तुलना पेश करते हैं। किसी राजनीतिक और सैनिक संघर्ष में विरोधी पक्ष के जासूसी तंत्र द्वारा इस्तेमाल की गई सूचनाओं को हथियाना काफी फायदेमंद होता है, लेकिन इसका कारण यह है कि एक सफल जासूसी तंत्र की सूचनाएं पूर्वाग्रहों से मुक्त होती है। यदि कोई जासूस अपनी रिपोर्टिंग अपने अधिकारियों के विचारधारा एवं महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखकर करता है, तो उसकी रिपोर्ट न सिर्फ अपने पक्ष के लिए अनुपयोगी होगी बल्कि विरोधी पक्ष के लिए भी, यदि वह उसे हथियाना चाहे। एक समाजशास्त्री भी काफी मायने में ऐसा ही जासूस है। उसका काम है कि किसी भी निश्चित क्षेत्र में अधिक से अधिक शुद्ध रिपोर्ट तैयार करना जितना कि वह कर सकता है। क्या इसका यह अर्थ निकलता है कि समाजशास्त्री की अपने अध्ययन के उद्देश्य के बारे में जानने अथवा उस काम के प्रति उसके लिए समाजशास्त्री जानकारियां जुटाई जा रही हैं कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है? उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही है जितनी समाज के एक नागरिक की होती है, लेकिन यह पूछताछ समाजशास्त्री पूछताछ नहीं है। यह तो एक जीव विज्ञानी के जैविकी ज्ञान की तरह है जिसका उपयोग या तो स्वस्थ करने के लिए या खत्म करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि जीव विज्ञानी उस जिम्मेदारी से मुक्त है जिसके लिए वह कार्य करता है, परंतु यह एक जैविकीय प्रश्न नहीं है। समाजशास्त्र अपने आरंभिक काल में ही स्वयं को विज्ञान की तरह समझता है। समाजशास्त्र पिछले सामान्य बौद्धिक प्रक्षणों या दार्शनिक अनुचिंतकों या ईश्वरवादी व्याख्याओं से हटकर वैज्ञानिक कार्यविधियों से बंधा हुआ है।
इसका अर्थ है कि जिस कथन पर समाजशास्त्री पहुंचता है वह कथन साक्ष्य के निश्चित नियमों के प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त किए हुए होने चाहिए, ताकि दूसरे व्यक्ति उनकी जांच कर सके या उनकी जानकारियों के विकास हेतु उन्हें दोहरा सके। समाजशास्त्र में प्राकृतिक विज्ञान एवं मानव विज्ञान के अंतर पर और परिणात्मक तथा गुणात्मक अनुसंधानों के अंतर पर पर्याप्त बहस हो चुकी है। हमें इस बात में नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ जो बात प्रासंगिक है वह यह है कि समाजशास्त्र को अपने प्रश्नों और विश्लेषणों में कुछ निश्चित नियमों का पालन करना होगा, ताकि दूसरों के द्वारा उसकी जांच की जा सके। अगले खंड में हम समाजशास्त्रीय ज्ञान और सामान्य बौद्धिक ज्ञान की तुलना करने जा रहे हैं, जो एक बार फिर इस बात पर बल देता है कि समाजशास्त्र जिस तरह से समाज का प्रेक्षण करता है उसमें पद्धतियों की भूमिका, प्रक्रियाएं और नियमों का कितना महत्व है। इस पाठ पुस्तक का 5वां अध्याय आपको बताएगा कि समाजशास्त्री क्या करते हैं और वे किस तरह समाज का ध्यान करते हैं। समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान के बीच के अंतरों का विस्तृत वर्णन समाजशास्त्रीय उपागम एवं पद्धति के बारे में एक स्पष्ट विचार देने में सहायता करेंगे। समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान, हम देख चुके हैं कि किस तरह समाजशास्त्रीय ज्ञान ईश्वर मीमांसीय और दार्शनिक प्रेक्षणों से अलग है। इसी प्रकार समाजशास्त्र समान बौद्धिक प्रेक्षणों से अलग है। समान बौद्धिक वर्णन सामान्यतः उन पर आधारित होते हैं जिन्हें हम प्रकृतिवादी या व्यक्तिवादी वर्णन कह सकते हैं। व्यवहार का एक प्रकृतिवादी वर्णन इस मान्यता पर निर्भर करता है कि एक व्यक्ति व्यवहार के प्राकृतिक कारणों की पहचान कर सकता है। अतः समाजशास्त्र समान बौद्धिक प्रेक्षणों एवं विचारों तथा साथ ही साथ दार्शनिक विचारों दोनों से ही अलग है। यह हमेशा या सामान्यतः भी चमत्कारी परिणाम नहीं देता, लेकिन अर्थपूर्ण और संदिग्ध संपर्कों तक केवल सामान्य संपर्कों की छानबीन द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। समाजशास्त्रीय ज्ञान में बहुत अधिक प्रगति हुई है। ज्यादा प्रगति तो सामान्य रूप से हुई, परंतु कभी कभार नाटकीय उद्भवों से भी प्रगति हुई है। समाजशास्त्र में संकल्पनाओं, पद्धतियों और आंकड़ों का एक मूल तंत्र है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस तरह संयोजित है। यह सामान्य बौद्धिक ज्ञान से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। सामान्य बौद्धिक ज्ञान अपरावर्तनीय है, क्योंकि यह अपने उद्गम के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछता है, या दूसरे शब्दों में यह अपने आप से यह नहीं पूछता मैं यह विचार क्यों रखता हूँ। एक समाजशास्त्री को अपने स्वयं के बारे में तथा अपने किसी भी विषय के बारे में प्रश्न पूछने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, चाहे वह विश्वास कितना भी प्रिय क्यों ना हो। क्या वास्तव में ऐसा है? समाजशास्त्र के दोनों ही उपागम व्यवस्थित एवं प्रश्नकारी वैज्ञानिक खोज के एक विस्तृत परंपरा से निकले हैं। वैज्ञानिक गतिविधियों के इस महत्व को तभी समझा जा सकता है जब हम अतीत की तरफ लौटे और उस समय की सामाजिक परिस्थिति को समझें जिसमें समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का उद्भव हुआ था, क्योंकि आधुनिक विज्ञान में हुए विकासों का समाजशास्त्र पर गहरा प्रभाव पड़ा है। चलिए हम संक्षिप्त रूप में देखें कि समाजशास्त्र की रचना में बौद्धिक विचारों की भूमिका कहाँ तक है। बौद्धिक विचार, जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है, प्राकृतिक विकास के वैज्ञानिक सिद्धांतों और प्राचीन यात्रियों द्वारा पूर्व आधुनिक सभ्यताओं की खोज से प्रभावित होकर उपनिवेशी प्रशासकों, समाजशास्त्रियों एवं सामाजिक मानव विज्ञानियों ने समाजों के बारे में इस दृष्टिकोण से विचार किया कि उनका विभिन्न प्रकारों में वर्गीकरण किया जाए, ताकि सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों को पहचाना जा सके। ये लक्षण 19वीं शताब्दी में आरंभिक समाजशास्त्रियों जैसे अगस्त कोथ, कार्ल मार्क्स एवं हर्वर्ड स्पेसर के कार्यों में पुनः दृष्टिगोचर होते हैं। अतः इस बात के प्रयास किए गए
कि उन बातों के आधार पर विभिन्न तरह के समाजों का वर्गीकरण किया जाए। उदाहरण के लिए, आधुनिक काल से पहले के समाजों के प्रकार जैसे शिकारी टोलियां एवं संग्रहणकर्ता, चरवाहे, कृषक एवं गैर औद्योगिक सभ्यताएं, आधुनिक समाजों के प्रकार जैसे औद्योगिकृत समाज, इस प्रकार की क्रमिक विकास का दर्शन यह मानता है कि पश्चिमी संसार आवश्यक रूप से ज्यादा प्रगतिशील एवं सभ्य था। गैर पश्चिमी समाज को अशिष्ट और कम विकसित समझा जाता था। भारतीय औपनिवेशिक अनुभवों को भी इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। भारतीय समाज शास्त्र में भी इसी तरह के तनाव को देखा जा सकता है। बहुत पीछे इतिहास में अंग्रेजी उपनिवेशवाद के समय में जाइए और इसका बुद्धिजीवी तथा सिद्धांतवादी जवाब है। शायद इसी पृष्ठभूमि के कारण ही भारतीय समाजशास्त्र खास तौर पर विचारशील रहा है और यही इसके व्यवहार में भी दिखता है। अगली पुस्तक समाज का बोध में आप भारतीय समाजशास्त्री विचार, उसके सरोकार और इसके वास्तविक व्यवहार के बारे में विस्तार से जानेंगे। डार्विन के जीव विज्ञान के विचार का आरंभिक समाजशास्त्री विचारों पर दृष्टि प्रभाव। डार्विन के जीव विज्ञान के विचारों का आरंभिक समाजशास्त्री विचारों पर दृढ़ प्रभाव था। समाज की प्रायः जीवित जैववाद से तुलना की जाती थी और इसके क्रमबद्ध विकास को चरणों में तलाशने के प्रयास किए जाते थे, जिसकी जैविकी जीवन की तुलना की जा सकती थी। समाज को व्यवस्था के भागों के रूप में देखने के तरीके ने, जिसमें प्रत्येक भाग एक खास कार्य निष्पादन में रहा हो, सामाजिक संस्थाओं जैसे परिवार या स्कूल एवं संरचनाओं जैसे स्तरीकरण के अध्ययन को बहुत प्रभावित किया। इसकी चर्चा हमने यहाँ इसलिए की है क्योंकि उन बौद्धिक विचारों का, जिसकी समाजशास्त्रीय रचना में महत्वपूर्ण भूमिका है, गहरा संबंध है कि किस प्रकार समाजशास्त्र आधुनिक वास्तविकता का अध्ययन करता है। ज्ञानोदय एक यूरोपीय बौद्धिक आंदोलन जो 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों एवं 18वीं शताब्दी में चला, कारण और व्यक्तिवाद पर बल देता है। उस वक्त वैज्ञानिक जानकारी भी उन्नत अवस्था में थी और साथ ही एक बढ़ता दृढ़ विश्वास यह भी था कि प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों द्वारा मानवीय पहलुओं का अध्ययन किया जा सकता है और करना भी चाहिए। उदाहरणार्थ गरीबी, जो अभी तक एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में जानी जाती थी, उसे सामाजिक समस्या के रूप में देखना आरंभ हुआ, जो कि मानवीय उपेक्षा अथवा शोषण का परिणाम है। इसलिए गरीबी को समझा जा सकता है और उसका निराकरण हो सकता है। इसके अध्ययन का एक तरीका यह था कि एक सामाजिक सर्वेक्षण किया जाए और यह इस विश्वास पर आधारित हो कि मानवीय क्रियाओं को मापा जा सकता है और उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में चर्चा पांचवें अध्याय में की जाएगी। प्रारंभिक आधुनिक काल के विचारक इस बात से सहमत थे कि ज्ञान में वृद्धि के सभी सामाजिक बुराइयों का समाधान संभव है। उदाहरण के तौर पर फ्रांसीसी विद्वान अगस्त कोत, जिसको कि समाजशास्त्र का संस्थापक समझा जाता है, का विश्वास था कि समाजशास्त्र मानव कल्याण में योगदान करेगा। भौतिक मुद्दे जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है। औद्योगिक क्रांति एक नए गतिशील आर्थिक क्रियाकलाप पूंजीवाद पर आधारित थी। औद्योगिक उन्नति के पीछे यही पूंजीवाद व्यवस्था एवं प्रमुख शक्ति थी। पूंजीवाद में नई अभिवृत्ति एवं संस्थाएं सम्मिलित थी। उद्यमी निश्चित और व्यवस्थित मुनाफे की आशा से प्रेरित थे। बाजारों ने उत्पादनकारी जीवन में प्रमुख साधन की भूमिका अदा की और मल सेवाएं एवं श्रम वस्तुएं बन गई, जिनका निर्धारण तार्किक गणनाओं के द्वारा होता था। नई अर्थव्यवस्था पहले वाली अर्थव्यवस्था में एकदम अलग थी। इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का केंद्र था। औद्योगिकरण द्वारा आय परिवर्तन कितना असरकारी था, इसे समझने के लिए हम औद्योगिकरण से पूर्व की इंग्लैंड की जिंदगी पर सरसरी नजर डालते हैं। औद्योगिकरण से पहले अंग्रेजों का मुख्य पेशा खेती करना एवं कपड़ा बुनना था। गाँव में रहते थे। अपने भारतीय गांवों की तरह ही वहां भी कृषक एवं भूस्वामी, लोहार एवं चमड़ा श्रमिक, जुलाहे एवं कुम्हार,
चरवाहे और मध्य निर्माता थे। समाज छोटा था, यह स्तरीकृत था, अर्थात विभिन्न लोगों की प्रस्थिति एवं उनकी वर्ग स्थिति स्पष्ट परिभाषित थी। सभी परंपरागत समाजों की तरह यहाँ भी नजदीकी आपसी व्यवहार की विशेषता रखता था। औद्योगीकरण के साथ ही सभी विशेषताएं बदल गई। नई व्यवस्था का एक प्रमुख मूल था श्रम की प्रतिष्ठा कम होना। शिल्प संघ गांव एवं परिवार के सुरक्षित स्थानों की कार का अलग होना। रूढ़वादी एवं परिवर्तनवादी दोनों ही तरह से चिंतक सामान्य श्रमिकों की प्रतिस्थिति की गिरावट को देखकर भयभीत थे, परंतु कुशल कारीगरों की स्थिति अलग थी। नगरी केंद्रों का विकास और विस्तार हुआ। ऐसा नहीं था कि पहले शहर नहीं थे, लेकिन औद्योगीकरण से पहले उनका स्वरूप अलग था। औद्योगीकरण ने एक बिल्कुल नए नगरी संसार को जन्म दिया। इसकी निराशा भी फैक्ट्रियों का धुआं और कालिख, नई औद्योगिक श्रमिक वर्ग की भीड़भाड़ वाली बस्तियां, गंदगी और सफाई का भावनुसार प्यारे दिल, यहाँ जिंदगी मुश्किल है। अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम किस रास्ते पर चल रहे हो। मेरे प्यारे भाई, यह मुंबई है। तुम्हें यहाँ बहुमंजिली इमारतें मिलेंगी, ट्रामे मिलेंगे, वाहन मिलेंगे, कारखाने मिलेंगे। इंसानियत भरे दिल को छोड़कर तुम्हें यहाँ सब कुछ मिलेगा। इंसानियत का यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पर जो भी करे उसका कोई मतलब नहीं है। शक्ति या पैसा या चोरी या विश्वासघात ही यहाँ चलता है। अमीर लोग ग्रहविहीन लोगों की आवारा व्यक्तियों की तरह हंसी उड़ाते हैं, लेकिन जब वह एक दूसरे के गले काटते हैं तब उसे व्यापार कहते हैं। यहाँ इस कार को कई और नाम दिए जाते हैं। अंग्रेजी कारखानों के मशीनों द्वारा तैयार माल के आगमन से भारी तादाद में भारतीय दस्तकार बर्बाद हो गए, क्योंकि अत्यधिक विकसित कारखानों में उनकी खपत नहीं हो सकती थी। इन बर्बाद दस्तकारों ने मुख्यतः जीवन निर्वाह के लिए खेती को अपना लिया। अक्सर कारखानों और उसके यांत्रिक श्रम विभाजन को किसानों, दस्तकारों, साथ ही साथ परिवार और स्थायी समुदाय को इस तरह समाप्त कर दिया कि लगता था जैसे यह जानबूझ कर किया गया था। कारखानों को एक आर्थिक कठोर नियंत्रण के रूप में देखा गया, जो अभी तक वैरकों और जेलों तक था। कार्ल मार्क्स के अनुसार कारखाने दमनकारी थे, फिर भी काफी हद तक स्वतंत्रता की गुंजाइश थी। यहाँ श्रमिकों ने बेहतर जिंदगी हेतु सामूहिक कार्यप्रणाली एवं संगठित प्रयास दोनों चीजें सीखी। नए समाजों के उभरने का एक और संकेत था घड़ी के अनुसार समय का महत्व, जो सामाजिक संगठन का आधार भी था। इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष वह तरीका था जिसके अनुसार 18वीं और 19वीं शताब्दी में खेतिहार और औद्योगिक मजदूरों की बढ़ती संख्या ने तेजी से घड़ी और कैलेंडर के अनुसार अपने को ढालना शुरू किया, जो आधुनिक समय से पूर्व के काम के तरीके से एकदम भिन्न था। औद्योगिक पूंजीवाद के विकास से पहले काम की लय, दिन के उजाले और चितोड़ परिश्रम के बीच आराम या सामाजिक कर्तव्यों के आधार पर तय होती थी। कारखानों के उत्पादन ने श्रम को समकालिक बना दिया। इससे समय की पाबंदी एक तरफ की स्थिर रफ्तार, कार्य करने के पश्चात घंटे और हफ्ते के दिन निर्धारित हो गए। इसके अलावा घड़ी के कार्य करने की अनिवार्यता पैदा कर दी। नियुक्त और कर्मचारी दोनों के लिए समय अब धन है, यह बेचता नहीं बल्कि खर्च होता है। हमें यूरोप में समाजशास्त्र के आरंभ और विकास को क्यों पढ़ना चाहिए? समाजशास्त्र के अधिकांश मुद्दे एवं सरोकार भी उस समय की बात करते हैं जब यूरोपीय समाज 18वीं और 19वीं शताब्दी में औद्योगीकरण और पूंजीवाद के आगमन के कारण भयंकर रूप से परिवर्तन की चपेट में था। बहुत से मुद्दे जो उस समय प्रायः उठते थे, उदाहरण के लिए नगरीकरण या कारखानों के उत्पादन, सभी आधुनिक समाजों के लिए प्रासंगिक थे, यद्यपि उनकी कुछ विशेषताएं थोड़ी अलग हो सकती थी। वास्तव में भारतीय समाज अपने औपनिवेशिक अतीत और अविश्वसनीय विविधता के कारण भिन्न है।
भारत का समाजशास्त्र इसको दर्शाता है। यदि ऐसा है तो उस समय के यूरोप पर ध्यान केंद्रित क्यों किया जाए, वहां से शुरुआत करना क्यों प्रासंगिक है? जवाब अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि भारतीय होने के नाते हमारा अतीत अंग्रेजी पूंजीवाद और उपनिवेशवाद के इतिहास से गहरे जुड़ा हुआ है। पश्चिम में पूंजीवाद विश्वव्यापी विस्तार पा गया था। अब इस बॉक्स में दिया गया एक उदाहरण पढ़ते हैं। पूंजीवाद और इसके द्वारा वैश्विक तौर पर समाजों का असमान रूपांतरण। 17वीं और 19वीं शताब्दी में लगभग 24 मिलियन अफ्रीकी को दास बनाया गया, जिसमें से 11 मिलियन अफ्रीका तक की यात्रा में जीवित रहे। यह आधुनिक इतिहास में दिखने वाले जनसंख्या के बहुत बड़े आंदोलन में से एक था। आपको अपनी जमीन और संस्कृति से उखाड़ा गया और दुनिया भर में अलग अलग हिस्सों में भयावह परिस्थितियों में भेजा गया और पूंजीवाद की सेवा के कार्य में लगा दिया गया। दास प्रथा इस बात का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि किस प्रकार लोगों को आधुनिकता के विकास के नाम पर उनकी मर्जी के खिलाफ फंसाया गया। दासता की संस्था 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कम होने लगी, लेकिन हमारे लिए भारत में यह 1800 के बाद का काल था, जब बंधुआ मजदूरों को अंग्रेजों द्वारा जहाजों में भरकर दूरस्थ देशों जैसे दक्षिण अमेरिका में सूरीनाम अथवा वेस्टइंडीज अथवा फिजिंग द्वीपों में उनकी सूती कपड़े की मिलों और चीनी कारखानों को चलाने के लिए ले जाया गया। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक वीएल नायपॉल, जिनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, उन हजारों लोगों में से एक के वंशज हैं, जिन्होंने जबरदस्ती उन अनजान जगहों पर ले जाया गया जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी और जहां से लौटने में वे असमर्थ थे और वहीं मर गए। नीचे बॉक्स में दिया गया उदाहरण यह दर्शाता है कि किस प्रकार पश्चिमी पूंजीवाद ने दो छोरों पर संसार को प्रभावित किया। आरके लक्ष्मण द्वारा प्रस्तुत मॉरीशस का यात्रा विवरण हमें बीते हुए औपनिवेशिक और वैश्विक अतीत की याद दिलाता है। यहाँ अफ्रीकी और चीनी, बिहारी और डच, पारसी और तमिल, अरबी, फ्रांसीसी और अंग्रेज सब एक दूसरे के साथ घुलमिल कर रहते हैं। उदाहरण के लिए एक तमिल जिसका भ्रमक सा दक्षिण भारतीय चेहरा था, एक लुभावना सा नाम भी था, राधा कृष्ण गोविंदन, सचमुच मद्रास से था। मैंने उसे तमिल में बात की, उसने मुझे फ्रेंच मिश्रित टूटी फूटी इंग्लिश में कठिनाई से जवाब देकर आश्चर्यचकित कर दिया। श्रीमान गोविंद को तमिल का ज्ञान बिल्कुल नहीं था और उनकी जीभ ने तमिल का उच्चारण करना शताब्दियों पहले बंद कर दिया। भारत में समाजशास्त्र का विकास। उपनिवेशवाद आधुनिक पूंजीवाद एवं औद्योगिकरण का आवश्यक हिस्सा था, इसलिए पश्चिमी समाजशास्त्रियों का पूंजीवाद एक आधुनिक समाज के अन्य पक्षों पर लिखित दस्तावेज भारत में हो रहे सामाजिक परिवर्तनों को समझने के लिए सर्वथा प्रासंगिक है। फिर भी जब यह शहरीकरण के संदर्भ में देखते हैं, उपनिवेशवाद में यह तथ्य निहित है कि आवश्यक नहीं है कि औद्योगिकरण का असर भारत में भी उतना ही था जितना पश्चिम में। कार्ल मार्क्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को लेकर की गई टिप्पणियों से असमानता उजागर होती है। भारत जो पिछले काफी समय से विश्व की एक महान कपास उत्पादन कार्यशाला थी, अब इंग्लिश धागों और सूती सामान से भरा पड़ा था। उसके अपने उत्पादन को इंग्लैंड से बाहर निकालकर अथवा अत्यंत निर्मम शर्तों पर स्वीकार करके अंग्रेज उत्पादकों को उनके उत्पादनों पर केवल थोड़ा और नाम मात्र शुल्क लगाकर भारी मात्रा में यहां लाकर स्वदेशी वस्त्र उद्योग को बर्बाद कर दिया गया था, जो कभी यहाँ की शान हुआ करता था। भारत में समाजशास्त्र को भारतीय समाज के बारे में पश्चिमी लेखों द्वारा लिखित दस्तावेजों और विचारों से भी जूझना पड़ा, जो हमेशा सही नहीं होते थे। ये विचार अंग्रेज औपनिवेशिक अधिकारियों और पश्चिमी विद्वानों दोनों द्वारा व्यक्त किए गए थे। उनमें से बहुतों के लिए भारतीय समाज पाश्चात्य समाज के एकदम विपरीत था। हम यहाँ केवल एक उदाहरण देते हैं कि एक भारतीय गांव को किस तरह से समझा गया।
और अपरिवर्तनीय रूप से चित्रित किया गया। समकालीन व विक्टोरिया कालीन विकास के विचारों से सहमति रखते हुए पश्चात लेखकों ने भारतीय गांव को अवशेष के रूप में देखा, जिसे समाज की शैशवावस्था कहा गया था। उन्होंने 19वीं शताब्दी में भारत में यूरोपीय समाजों का अंत देखा। औपनिवेशिक विरासत वाले देशों जैसे भारत में एक दूसरा साक्ष्य यह था कि यहाँ समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान में प्रायः अंतर किया जाता था। एक स्तरीय पश्चात पाठ्यपुस्तक में समाजशास्त्र की परिभाषा है, मानव समूहों और समाजों का अध्ययन जिसमें औद्योगिकृत विश्व के विश्लेषण पर पर्याप्त बल दिया गया। सामाजिक मानव विज्ञान की एक स्तरीय पश्चात परिभाषा इस प्रकार होगी, गैर पश्चिमी साधारण समाजों अर्थात दूसरी संस्कृतियों का अध्ययन। भारत में किस्सा सर्वथा अलग है। एम एन श्रीनिवास इसका खाका इस प्रकार खींचते हैं। भारत जैसे देशों में इसके आकार और भिन्नता के चलते क्षेत्रीय भाषाएं धार्मिक पंथ संबंधी सजातीय तथा ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच में असंख्य दूसरे हैं। ऐसी संस्कृति और समाज में जैसा कि भारत में है, दूसरे से आमना सामना वास्तव में आसपास या पड़ोस में ही हो जाता है। भारत में इससे भी आगे सामाजिक मानव विज्ञान, जिसमें पहले आदिम लोगों के अध्ययन के स्थल ले रखा था, धीरे धीरे बदलकर किसानों, सजातीय समूहों, सामाजिक वर्गों, प्राचीन सभ्यताओं के विभिन्न पक्षों और विशेषताओं एवं आधुनिक औद्योगिक समाजों के अध्ययन पर आ गया था। भारत में समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान के बीच कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं है, जो कि बहुत सारे पश्चात देश में इन दोनों विषयों की एक विशेषता के रूप में मौजूद है। शायद भारत में पाई जाने वाली आधुनिक एवं ग्रामीण और महानगरी और परंपरागत आदि अति विभिन्नता ही इसकी वजह है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसके संबंध। समाजशास्त्री अध्ययन का विषय क्षेत्र काफी व्यापक है। यह एक दुकानदार और ग्राहक के बीच, एक अध्यापक और विद्यार्थी के बीच, दो मित्रों के बीच अथवा परिवार के सदस्यों के बीच की अंतःक्रिया के विश्लेषण को अपना केंद्र बिंदु बना सकता है। इसी प्रकार यह राष्ट्रीय मुद्दों जैसे बेरोजगारी या जातीय संघर्ष या राज्य की नीतियों या जनजातियों के वानिकी संसाधनों पर अधिकार के प्रभाव या ग्रामीण कर्जों को अपना केंद्र बिंदु बना सकता है, अथवा वैश्विक सामाजिक प्रक्रिया जैसे नए लचीले श्रम कानून का श्रमिक वर्ग पर प्रभाव या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का नौजवान पर प्रभाव या विदेशी विश्वविद्यालयों के आगमन का देश की शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव की जांच कर सकता है। इस प्रकार समाजशास्त्र विषय इससे परिभाषित नहीं होता कि वह क्या अध्ययन अर्थात परिवार या व्यापार संघ अथवा गांव करता है, बल्कि इससे परिभाषित होता है कि वह एक चयनित क्षेत्र का अध्ययन कैसे करता है। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों के समूह का एक हिस्सा है, जिसमें मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान एवं इतिहास शामिल एवं विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में विभाजन एकदम सुस्पष्ट नहीं है और सभी में कुछ हद तक साझी रुचियां, संकल्पनाएं एवं पद्धतियां हैं। इसलिए यह समझा जाना जरूरी है कि कुछ विषयों में पृथकता कुछ हद तक स्वैच्छिक है और इसका कठोरता से पालन नहीं होना चाहिए। सामाजिक विज्ञानों को अलग अलग करना, अंतरों को अंतरंजित करना और समानताओं पर आवरण चढ़ाने जैसा होगा। इससे भी बढ़कर नगरी अधिकारवादी सिद्धांतों ने अंतः विषयक उपागम की अत्यधिक आवश्यकता को दिखाया है। उदाहरण के लिए एक राजनीतिक विज्ञानी या अर्थशास्त्री लिंगों की भूमिका और उसके राजनीतिक पर प्रभाव अथवा परिवार की समाजशास्त्र के बगैर अर्थव्यवस्था का लिंग पर आधारित श्रम विभाजन का अध्ययन कैसे करेंगे। समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का अध्ययन करता है। शास्त्रीय आर्थिक उपागम पूर्ण रूप से आर्थिक चरों के अंतः संबंधों का वर्णन करता है।
कीमत, मांग एवं पूर्ति का संबंध मुद्रा प्रवाह, आयात और निर्यात का अनुपात और इसी तरह अन्य। परंपरागत अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र आर्थिक क्रियाकलाप की संकुचित दायरे तक रहा है। मुख्यतः किसी एक समाज में अपर्याप्त वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण। वे अर्थशास्त्री जो राजनीतिक आर्थिक उपागम से प्रभावित हैं, आर्थिक क्रियाकलापों को स्वामित्व के रूप में उत्पादन के साधनों के साथ संबंधों के विस्तृत दायरे में समझने का प्रयास करते हैं। आर्थिक विश्लेषण में प्रभावी प्रकृति का उद्देश्य किसी तरह से आर्थिक व्यवहार के सुनिश्चित कानूनों का निर्माण करना था। समाजशास्त्री उपागम आर्थिक व्यवहार को सामाजिक मानकों, मूल्यों, व्यवहारों और हितों के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखता था। नियमित क्षेत्र के प्रबंधक इस बात को जानते हैं, विज्ञापन उद्देश्यों में भारी निवेश का सीधा संबंध उपभोग के तरीकों और जीवन शैली को नए रूप देने की आवश्यकता से है। अर्थशास्त्र के अंदर की प्रवृत्तियां जैसे नारीवाद, अर्थशास्त्री लिंग को समाज के केंद्रीय संगठन कार्य सिद्धांत की तरह पेश कर इसके इरादे को बढ़ाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए वे यह देखेंगे कि किस प्रकार घर पर किया गया कार्य बाहर की उत्पादकता से जुड़ा हुआ है। अर्थशास्त्र के परिभाषित विषय क्षेत्र ने इसको केंद्रित और विचारशील विषय के रूप में सुविधाजनक तरीके से विकसित होने में मदद की है। समाजशास्त्री प्रायः अर्थशास्त्रियों से इस बात के लिए ईर्ष्या रखते हैं कि उनकी शब्दावली उचित होती है और उनकी माप एकदम सही होती है और उसके सैद्धांतिक कार्यों के परिणामों को व्यवहारिक सुझावों में परिणति करने की क्षमता से भी, जिसका जनहित नीतियों के लिए बड़ा अर्थ होता है। फिर भी अर्थशास्त्री की पूर्वानुमान लगाने की योग्यता को प्रायः व्यक्तिगत व्यवहार, सांस्कृतिक मानकों एवं संस्थात्मक प्रतिरोध की अनदेखी करने की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है, जिसका ध्यान समाजशास्त्री करते हैं। पियरे बोरंदियू ने 1998 में लिखा, वास्तविक आर्थिक विज्ञान अर्थव्यवस्था को प्रत्येक लागत पर ध्यान देगा, केवल निगमित निकायों से संबंधित लागतों पर ही नहीं, बल्कि अपराध, आत्महत्याओं और ऐसे ही अन्य लागतों पर भी। हमें खुशियों भरा ऐसा अर्थशास्त्र आगे लाना होगा जो सभी प्रकार के हितों का ध्यान रखेगा। व्यक्तिगत एवं सामूहिक, भौतिक एवं सांकेतिक क्रियाकलापों से संबंधित, जैसे सुरक्षा और साथ ही निष्क्रियता या अनिश्चित रोजगार से संबंधित भौतिक एवं प्रतीकात्मक लागत का भी, उदाहरण के लिए दवाओं का उपयोग, समानकारी दवाओं की इस्तेमाल का विश्व रिकॉर्ड फ्रांस के नाम है। सामान्यतः समाजशास्त्र अर्थशास्त्र के विपरीत तकनीकी समाधान प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि यह एक प्रस्तकारी एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। यह आधारभूत मान्यताओं के बारे में प्रश्न पूछने में सहायता करता है और इस प्रकार का केवल निर्धारित लक्ष्यों के तकनीकी साधनों के प्रति, बल्कि स्वयं उद्देश्य की सामाजिक अपेक्षाओं के प्रति भी चर्चा का अवसर प्रदान करता है। हाल ही में आर्थिक समाजशास्त्र में पुनरुत्थान की प्रवृत्ति देखने में आई है, जिसका कारण शायद समाजशास्त्र का विशालतर और आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। समाजशास्त्र किसी सामाजिक स्थिति की पहले से विद्यमान समझ को ज्यादा स्पष्ट और पर्याप्त समझ प्रदान करता है। यह तथ्यों की जानकारी के स्तर पर अथवा किसी चीज के घटित होने के कारण को बेहतर तरीके से समझने के स्तर पर हो सकता है, दूसरे शब्दों में सैद्धांतिक समझ के द्वारा। समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान, जैसा कि अर्थशास्त्र में है, वैसे ही समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के बीच भी पद्धतियों और उपागमों की परस्पर अंतःक्रियाओं की बहुलता है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान मुख्यतः दो तथ्यों पर केंद्रित था, राजनीतिक सिद्धांत और सरकारी प्रशासन। दोनों में से किसी भी शाखा में राजनीतिक व्यवहार गहन रूप में शामिल नहीं है। सामान्यतः सैद्धांतिक भाग में प्लेटो से लेकर मार्क्स तक के सरकार संबंधी विचारों को केंद्र बिंदु बनाया गया।
जबकि प्रशासनिक भाग का केंद्र बिंदु सरकार के वास्तविक संचालन की तुलना में इनका औपचारिक ढांचा रहा है। समाजशास्त्र समाज के सभी बच्चों के अध्ययन को समर्पित है, जबकि परंपरागत राजनीति विज्ञान ने अपने को शक्ति के औपचारिक संगठन के सरकार साकार रूप में अध्ययन तक सीमित रखा। समाजशास्त्र सरकार सहित संस्थाओं के समुच्चय के बीच अंतर संबंधों पर बल देता है, जबकि राजनीति विज्ञान सरकार में विद्वान प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है। हालांकि समाजशास्त्र की अनुसंधान में समान रुचि को लेकर राजनीति विज्ञान से लंबी साझेदारी है। मैक्स वेबर जैसे समाजशास्त्री ने ऐसा काम किया है जिसको राजनीतिक समाजशास्त्र का नाम दिया जा सकता है। राजनीतिक समाजशास्त्र का क्षेत्र राजनीतिक व्यवहार के वास्तविक अध्ययन के रूप में बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ भारतीय चुनावों में भी मतदान के राजनीतिक प्रतिगामों का काफी विशिष्ट अध्ययन देखने में आया है। राजनीतिक संगठनों की सदस्यता, संगठनों में निर्णय लेने की प्रक्रिया, राजनीतिक दलों के समर्थन के राज्य समाजशास्त्री कारण, राजनीति में जाति एवं जेंडर की भूमिका आदि का भी अध्ययन किया जा रहा है। समाजशास्त्र एवं इतिहास। इतिहासकार एक तरह से नियम के मुताबिक अतीत का ध्यान करते हैं, जबकि समाजशास्त्री समकालीन समय या कुछ ही पहले के अतीत में ज्यादा रुचि रखते हैं। इतिहासकार पहले वास्तविक घटनाओं के चित्रण में एक चीजें वास्तव में कैसे घटित हुई इसे स्थापित करने में संतुष्ट होते हैं, जबकि समाजशास्त्र में असामयिक संबंधों को स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित था। इतिहास ठोस विवरणों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्री ठोस वास्तविकताओं के सार निकालकर उनका वर्गीकरण एवं सामान्यीकरण करता है। आजकल इतिहासकार अपने विश्लेषण में समाजशास्त्री पद्धतियों एवं धारणाओं का उपयोग करने लगते हैं। परंपरागत इतिहास राजाओं और युद्धों के इतिहास के बारे में जानकारी देता रहा है। इतिहासकारों द्वारा अपेक्षाकृत कम चकाचौंध और कम रोमांचक घटनाओं जैसे जमीन के संबंधों में परिवर्तन या परिवार में जेंडर संबंधों के इतिहास का अध्ययन परंपरागत रूप में कम ही हुआ है, लेकिन यही बात समाजशास्त्रियों की रुचि का प्रमुख क्षेत्र बनी। हालांकि आजकल इतिहास काफी हद तक समाजशास्त्री हो गया है और सामाजिक इतिहास जो इतिहास की विषय वस्तु है, यह शासकों के कार्यों, युद्ध एवं राजतंत्रवाद के बजाय सामाजिक प्रतिमानों, लिंग संबंधों, लोकाचार, प्रथाओं एवं प्रमुख संस्थाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को प्रायः व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह मुख्यतः व्यक्ति से संबंधित है। यह उसकी बौद्धिकता एवं सीखने की प्रवृत्ति, अभिप्रेरणाओं एवं याददाश्त, तंत्रिका प्रणाली एवं प्रतिक्रिया का समय, आशाओं और डर में रुचि रखता है। सामाजिक मनोविज्ञान, जो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच एक पुल का कार्य करता है, अपनी प्राथमिक रुचि एवं व्यक्ति में रखता है, लेकिन उसका इस बात से सरोकार रहता है कि व्यक्ति किस पर सामाजिक समूहों में सामूहिक तौर पर अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार करता है। समाजशास्त्र समाज में संगठित व्यवहार को समझने का प्रयास करता रहता है। यही वह तरीका है जिससे समाज के विभिन्न पक्षों द्वारा व्यक्तित्व को आकार मिलता है। उदाहरण के लिए आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था, उनका परिवार और नातेदारी संरचना, उनकी संस्कृति, मानव एवं मूल्य। यह याद करना रुचिकर होगा कि दुखाइन, जिन्होंने आत्महत्या के अपने प्रख्यात अध्ययन में समाजशास्त्र को स्पष्ट पद्धति एवं विषय क्षेत्र में स्थापित करने की चेष्टा की, उसमें उन्होंने उन व्यक्तियों की व्यक्तिगत उत्कंठाओं को बाहर ही रखा जिन्होंने आत्महत्या की या इसकी चेष्टा की। यह उस सांख्यिकीय आंकड़े के लिए किया गया जो उन व्यक्तियों की कई सामाजिक विशेषताओं से सरोकार रखते थे। समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान। अधिकांश देशों में मानव विज्ञान में पुरातत्व विज्ञान, भौतिक मानव विज्ञान, सांस्कृतिक इतिहास, भाषा की विभिन्न शाखाएं हैं। समान समाजों में जीवन के सभी पक्ष का अध्ययन शामिल है। यहाँ हमारा सरोकार सामाजिक मानव विज्ञान और सांस्कृतिक मानव विज्ञान से है, क्योंकि यह समाज
यह समाजशास्त्र के अध्ययन के एकदम निकट है। समाजशास्त्र को आधुनिक जटिल समाजों का अध्ययन समझा जाता है, जबकि सामाजिक मनोविज्ञान को सरल समाजों का अध्ययन समझा जाता है। हमने पहले देखा कि प्रत्येक विषय का अपना इतिहास अथवा जीवनी होती है। सामाजिक मनोविज्ञान का विकास पश्चिम में उन दिनों हुआ जब यह माना जाता था कि पश्चिमी शिक्षित सामाजिक मनोविज्ञानियों ने गैर यूनानीय समाजों का अध्ययन किया, जिसको प्रायः विजाती, अशिष्ट और असभ्य समझा जाता था। जिसका अध्ययन किया गया और जिसका अध्ययन नहीं किया गया था, उसके बीच के आसमान संबंध पर ज्यादा टिप्पणी नहीं की गई। लेकिन अब समय बदल गया है और वे मूल निवासी विद्वान हैं, जहां वे भारतीय हैं या सुडानी, नागा हैं या संथाल, जो अब अपने समाजों के बारे में बोलते हैं और लिखते हैं। अतीत के मानव विज्ञानियों ने सरल समाजों का विवरण तटस्थ वैज्ञानिक तरीके से लिखा था। प्रत्यक्ष व्यवहार में वे लगातार उन समाजों की तुलना आधुनिक पश्चिमी समाजों से करते रहे थे, जिसे वे एक मानव दंड के रूप में देखते थे। अन्य परिवर्तनों ने भी समाजशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान की प्रवृत्ति को पुनः परिभाषित किया है। जैसा कि हमने देखा, आधुनिकता ने एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत की जिसमें छोटे से छोटा गांव भी भूमंडलीय प्रक्रियाओं से प्रभावित हुआ। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है उपनिवेशवाद। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान भारत के अत्यधिक दूरस्थ गांवों ने भी अपने प्रशासन और भूमि कानून में परिवर्तन, अपने राजस्व उगाही में परिवर्तन और अपने उत्पादन उद्योग को समाप्त होते हुए देखा। समकालीन भूमंडलीय प्रक्रियाओं ने दुनिया के इस प्रकार सिकुड़ने को और ज्यादा बल प्रदान किया है। एक सरल समाज का अध्ययन करते समय ये मान्यता थी कि यह एक सीमित समाज था। अब हम जानते हैं कि आज ऐसा नहीं है। सामाजिक मानव विज्ञान द्वारा सरल व निरक्षर समाजों पर किए गए परंपरागत अध्ययन का प्रभाव मानव विज्ञान की विषय वस्तु और विषय सामग्री पर पड़ता है। सामाजिक मानव विज्ञान की प्रवृत्ति समाज के सभी बच्चों का एक समग्र में अध्ययन करने की होती है। अभी तक जो विशेषज्ञता प्राप्ति हुई है वह क्षेत्र पर आधारित थी। उदाहरण के लिए अंडमान द्वीप समूह, न्यूयॉर्क अथवा मेलानेशिया समाजशास्त्री जटिल समाजों का अध्ययन करते हैं। अतः समाजों के भागों जैसे नौकरशाही या धर्म या जाति अथवा एक प्रक्रिया जैसी सामाजिक गतिशीलता पर अध्ययन केंद्रित करते हैं। सामाजिक मानव विज्ञान की विशेषता थी लंबी क्षेत्रीय कार्य परंपरा, समुदाय जिसका अध्ययन किया उसमें रहना और अनुसंधान की नरजाती पद्धतियों का उपयोग। समाजशास्त्रीय प्रायः सांख्यिकी एवं प्रश्नावली विधि का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण पद्धति एवं संख्यात्मक आंकड़ों पर निर्भर करते थे। पांचवें अध्याय में आप इन परंपराओं के बारे में और ज्यादा विस्तार से जान पाएंगे। आज एक सरल और जटिल समाज में अंतर को स्वयं एक बड़े पुनर्विचार की आवश्यकता है। भारत स्वयं परंपरा और आधुनिकता का, गांव और शहर का, जाति और जनजाति का, वर्ग एवं समुदाय का एक जटिल मिश्रण है। गांव राजधानी दिल्ली के बीचों बीच बसे हुए हैं। कॉल सेंटर देश के विभिन्न कस्बों से यूरोपीय और अमेरिकी ग्राहकों की सेवा करते हैं। भारतीय समाजशास्त्र दोनों परंपराओं से सार ग्रहण करने में काफी उतार रहा है। भारतीय समाजशास्त्री अक्सर भारतीय समाजों के अध्ययन में केवल अपनी संस्कृति का नहीं बल्कि उनका भी अध्ययन करते हैं जो उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। यह शहरी आधुनिक भारत के जटिल अंतर करने वाले समाजों के साथ साथ जनजातियों का भी एक समग्र रूप में अध्ययन कर सकता है। इस बात का डर बना रहता है कि सरल समाजों के खत्म होने से सामाजिक मानव विज्ञान अपनी विशिष्टता खो देगा और समाज साथ में मिल जाएगा। हालांकि दोनों विषयों में लाभदायक अंतः परिवर्तन हुआ है और आजकल पद्धतियों एवं तकनीकियों को दोनों विषयों से लिया जाता है। राज्य और वैश्वीकरण के मानव विज्ञानी अध्ययन किए गए हैं जो कि सामाजिक मानव विज्ञान की परंपरागत विषय वस्तु से एकदम अलग है। दूसरी ओर समाजशास्त्र भी आधुनिक समाजों की जटिलताओं के अध्ययन के लिए संख्यात्मक एवं गुणात्मक तकनीकों, समाज समष्टि
और व्यष्टि उपागमों का उपयोग करता है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है हम इस पर चर्चा पांचवें अध्याय में भी जारी रखेंगे, क्योंकि भारत में समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान में अति निकट का संबंध है। इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां आई हैं, चलिए उनके मतलब जानते हैं। पूंजीवाद, आर्थिक उद्यम की एक व्यवस्था जो कि बाजार विनिमय पर आधारित है। पूंजी से आशय कोई संपत्ति जिसमें धन, भवन एवं मशीनें आदि शामिल है, जो बिक्री के लिए वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग की जाती है अथवा बाजार में लाभ कमाने के उद्देश्य से विनियोग की जा सकती है। यह व्यवस्था उत्पादन के साधनों और संपत्तियों के निजी स्वामित्व पर आधारित है। द्वंद्वात्मक, सामाजिक ताकतों के विरोध की क्रिया या उसकी विधमत्ता, जैसे सामाजिक बाध्यता और व्यक्तिगत इच्छा। अनुभविक अन्वेषण, समाजशास्त्रीय अध्ययन में दिए गए किसी भी क्षेत्र में की जाने वाली तत्परक जांच। नारीवाद सिद्धांत, एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण जो सामाजिक विश्व का विश्लेषण करते समय लिंग के महत्व को केंद्र में रखने पर बल देता है। यद्यपि इस सिद्धांत में कई तत्व हैं, लेकिन उन सब का एक सरोकार है समाज में लिंग के आधार पर होने वाली असमानता की व्याख्या करना एवं उसे दूर करने के लिए कार्य करना। समष्टि समाजशास्त्र, बड़े समूहों, संगठनों अथवा सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन। व्यष्टि समाजशास्त्र, आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन। सामाजिक बाध्यता, एक शब्द जो इस तथ्य को दर्शाता है कि हम जिन समूहों और समाजों के हिस्से हैं वे हमारे व्यवहार को अनुकूलता के हिसाब से प्रभावित करते हैं। और अंत में मूल्य, व्यक्ति या समूहों द्वारा माना जाने वाला विचार की क्या जरूरी है, सही है, अच्छा है या बुरा। विभिन्न मूल्य मानव संस्कृति के विभिन्न विभिन्नता के मुख्य पक्षों को दर्शाते हैं। इस संपूर्ण अध्याय को सुनने के बाद नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आप सोचिए। और ये अध्याय आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। शुक्रिया।